हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, कि आपको अगर अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो नंबर वन पे जो हमारा आता है वो है आपका जेनेटिक्स। अगर आपका जेनेटिक उतना अच्छा नहीं है तो आप अच्छे लेवल पर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। चाहे फिर आप कुछ भी करें, आप कितना ही डिसिप्लिन में रहें, कितना अच्छा डाइट करें, कितना अच्छा वर्कआउट करें, बट एक लेवल आप अचीव कर सकते हैं, बट बहुत बड़े लेवल पे आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास जेनेटिक्स का होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप बॉडी बिल्डिंग अच्छे लेवल पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़, आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, आपका बहुत सारी चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में छोटी छोटी होती हैं, जो कि आपको केवल और केवल डिसिप्लिन से ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है तब ही आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जाने का सोचें, अदरवाइज आप बॉडी बिल्डिंग करने का ख्याल मन से निकाल ही नहीं, क्योंकि आप बिना डिसिप्लिन के बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर थ्री पे आपका आता है आपके पास एक अच्छे कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि या तो उसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट किया हो, जिसको पता हो कि बॉडी बिल्डिंग के क्या 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 पैटर्न होता है पूरा बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से मैनेज करना है, आपको अपना डाइट किस तरह से रखना है, आपको अपना वर्कआउट किस तरह से रखना है, किस तरह से एक बॉडी बिल्डर का माइंड सेट करना होता है एक कॉम्पिटिशन खेलने के लिए, और जब वो कॉम्पिटिशन फेज में होता है तो क्या क्या वो फील करता है, वो कोच को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना लड़के के ऊपर प्रेशर होता है गेम खेलने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, जो आपको आगे बता सकता है। या अगर खिलाड़ी ना हो तो उसने बहुत सारे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हों, जैसे कि हमारे भूपेंद्र धवन जी हैं दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे चैंपियंस हमारे बनाए हैं, हिंदुस्तान को बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स दिए हैं। तो ऐसा कोई कोच हो जिसने बॉडी बिल्डिंग बहुत क्लोजली देखा हो, तो आप ऐसे जो कोच हैं उनके अंडर आपने रहना है, उससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। तो आप अननेसेसरी चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़लेस होती हैं, बॉडी बिल्डर्स उनको यूज़ करते हैं बिना गाइडेंस के, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं अगर आपके पास एक अच्छा कोच होता है। और सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय बच जाता है, जो चीज़ आप 5 साल में अचीव कर देंगे अच्छी गाइडेंस में, आप 1-2 साल में, 2 साल में वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो एक अच्छे कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। नंबर फोर जो आता है, उसके बिना आप बॉडी बिल्डिंग शायद ना ही कर पाए, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते हैं, इवन आप बॉडी बिल्डिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो मेक श्योर कि पहले आपको अपना पॉकेट को उस तरह से लेवल पे लेके जाना है कि आप बॉडी बिल्डिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपको एक अच्छा जिम रिक्वायरमेंट होता है जिसके अंदर अच्छे इक्विपमेंट्स हो, उस जिम का फी आपको पे करना है, आपको अच्छा अगर ट्रेनर हायर करेंगे तो आपको उनका भी फी जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ट्रेनर आप हायर करेंगे अच्छा, तो उनको पे करके ही आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद में आपका सप्लीमेंट का स्टैक जो आता है पूरा, उसके बाद में आपका डाइट हो गया, तो एक बॉडी बिल्डर को मिनिमम कम से कम ये सब चीज़ें मिला के 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा लगता है। और जब कंपटीशन पास आता है तो उसके लिए जब कंपटीशन सीजन होता है 2-3 महीने बचते हैं, तो तब आपको थोड़ा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह का भी यूज़ करना होता है अच्छे सुपरविजन के अंदर, तो उसका भी फिर खर्चा बढ़ जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, आप पता लगी बॉडी बिल्डिंग करने में घुस तो गए हैं बट आप उसको फिर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे पैसे की कमी की वजह से। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपने, चाहे आपका जेनेटिक कितना अच्छा है, डिसिप्लिन में आप रह सकते हैं, कोच हायर करने के लिए या जिम ज्वाइन करने के लिए या अपनी डाइट मैनेज करने के लिए आपको पैसा होना आपके पास ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिम में आते हैं बॉडी बिल्डिंग करना है, बट उनको शुरू कर देते हैं और बीच में ही उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि पैसे की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है उनको। तो सबसे पहले आपको अपना जो अपना करियर है जहाँ से आप पैसा अर्न करते हैं, तो पहले उसको आपको बिल्कुल मजबूत करना है कि हाँ आपका जो प्रिपरेशन बीच में ना छूटे। तो पैसा आपको उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि और बाकी चीज़ें हैं। तो आपको पैसे का भी ध्यान रखना है कि आपका पहले पैसा उतना हो कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं इस चीज़ के लिए। तो यही 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर बनना।